हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हेल्दी सा फ्रूट नट्स बाउल, और ये ना ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो देखिए, मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने एक मैंगो को काट लिया है। आप कोई भी सीजनल फ्रूट इसमें ले सकते हैं, नट्स फ्रूट्स जो मर्जी, क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने दो के लिए बना रही हूँ, तो दो बनाना लिए हैं। एक बड़ा सा आम काट लिया है, और ये देखिए हमने चिया सीड्स को सोक कर लिया है, पम्पकिन सीड्स हैं, ये देखिए सनफ्लावर सीड्स हैं, तो ये मैंने सोक कर लिया। आप सीड्स भी अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने सोक आलमंड्स लिए हैं, बादाम को भिगोकर काट लिया है छिलका उतार के, ऐसे ही अखरोट को भिगा कर काट लिया है, सोक किया था पूरी रात, और पिस्ता और ये बेरीज मैंने ऐसे ही ले लिए, बेरीज मिक्सचर है ये, मैंने इसी टाइप से ले लिया है। ये मैंने इससे, ये आपको पैकेट दिखाऊं, ये बेरीज का पैकेट है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये सारा जो मिक्सचर है हमने रेडी करके रख लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, बड़ा सा बाउल लेंगे, उसके अंदर ये फ्रूट्स डालेंगे, ठीक है। मैंगो डालेंगे, और यकीन मानिए ये इतना टेस्टी लगता है कि आप नट्स और ऐसे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, बट अगर इस टाइप से आप मिलाएंगे ना तो आप बहुत शौक से खाएंगे, खुश होके खाएंगे। तो ये हमने डाल दिए हैं सारे सीड्स। तो आप पूछेंगे ना कितना कितना लेना चाहिए, आप जितना एक खा सकते हैं। जैसे कभी कभी कहते हैं कि एक आदमी को 5 आलमंड्स लेना चाहिए सोक करके, 2 वॉलनट लेना चाहिए, तो जो आपको अलाउ करता है ना आपकी हेल्थ वो आप ले सकते हैं। बट बनाने का तरीका ये है, ये देखिए कितना बढ़िया ये मिक्सचर बनकर तैयार है। और इसको हेल्दी बनाने के लिए ना मैं पता है क्या कर रही हूँ, इसमें ना कोई सॉल्ट डाल रही हूँ, ना हनी डाल रही हूँ, ना लेमन डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। आप एक बार ना इस तरीके से खाकर देखिए कि ये कितना यम लगता है। आप ना एक बार बनाएंगे ना तो डेली इसी तरह से बना के खाएंगे। ग्रेप्स का मौसम है, आप ग्रेप्स ऐड कर सकते हैं, बनाना आपका जरूर होना चाहिए, मुझे तो बनाना बहुत पसंद है, और ये भूख को भी शांत करता है। तो देखिए इस टाइप से हम, पता नहीं आपको दिखा कि नहीं, हमने मिक्स किया इस टाइप से, हमने इसको सारा मिक्सचर को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको, इसकी प्लेटिंग करते हैं। इस प्लेट में हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे, इसी के अंदर हम इसको सर्व कर देते हैं। आप बनाकर ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और बहुत आसान है ना, देखिए हर कोई बना सकता है, जो बॉयज़ अलग रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, है ना, या गर्ल्स अपने घर से दूर रहती हैं, कुकिंग नहीं कर सकते, तो आप इस तरीके से, नाइफ तो सबके पास होता है ना, सोक करने के लिए बाउल भी होता है, तो इस टाइप से आप ये बना के खा सकते हैं। तो देखिए हमारा ये यमी सा बाउल बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।